विपक्ष के मणिपुर दौरे को लेकर बोले हैं प्रहलाद जोशी। कहते हैं कि आपको अगर मणिपुर जाना है तो जाइए, हम व्यवस्था देंगे, लेकिन सरकार देखेगी कि कहां तक लेकर जा सकते हैं। और आपको बता दें, विपक्षी एकता INDIA की तरफ से तमाम जो सांसदों का दल है, प्रतिनिधिमंडल है, वो मणिपुर के लिए ऐलान कर चुका है कि वो दौरा करेंगे, स्थिति की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे, हालात क्या है देश के सामने रखेंगे, लेकिन वहां की सरकार देखेगी कहां ले जाना है, ये कहना है प्रहलाद जोशी का। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी बात को रखा, स्टेटमेंट भी सुनवा देंगे, सुनिए जरा। देखो, बिल और बिल पास अगर वो उनके पास बहुमत है तो, और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब उसका जो हमारा अविश्वास का के जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग ले लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीच में ऑल ऑफ सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए जितेंद्र। और अगर हमको ये प्रेसिडेंट वगैरह पद के बारे में ऐसे बात करते हैं तो मैं बोलूँगा आप बिल आप परास्त कर दो, यू डिफीट अवर बिल, सो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल एट ऑल, द सेम डे गवर्नमेंट हैज टू गो। सर वो कह रहे हैं कि दो नियम के तहत आप लोग बहस नहीं करा रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं करा रहे हैं जल्दी। अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा, पूरा जो संबंधित हमारे जो लोग हैं उसको सरकार में जो बैठे हैं वो हम उत्तर देंगे। और हमको ये भी विश्वास है कि हमारे पास संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डेलीगेशन जा रहा है मणिपुर, और उधर के जो स्टेट गवर्नमेंट उधर के। तो देखिए, प्रहलाद जोशी को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर विपक्षी दलों को जाना है तो जाएं, सरकार मणिपुर के वहां की देखेगी कि कहां तक लेकर जाना है। और इस बीच विपक्ष की तरफ से क्या बयान लगातार सामने आ रहे हैं, आपको हम सुनवाते हैं। सरकार से पूछेंगे, सरकार अगर नहीं चाहते तो देर होते जाएंगे, मुझे लगता है ये ड्रैग करेगी, धीरे धीरे और आगे ले जाएंगे और बीच बीच में कोई कार्रवाई करेंगे, जैसे कि CBI की जांच सौंपने का बात कर रहे हैं, किसी को पकड़ेंगे, अभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से कोर्ट दूसरे जगह हटा के विचार किया जाना चाहिए, ये तरह तरह की बहाना और बात करके ये मसले को लघु मतलब पतला करने की कोशिश करेगी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग मणिपुर चल रहा है, आप लोगों को वहाँ की खबर लेने तक की इच्छा नहीं हो रही, संज्ञान लेना तो दूर। मैं पूछता हूँ BJP से कि क्या अगर आज मणिपुर जो दो लोकसभा सीटों वाला छोटा सा राज्य है, अगर वो दो लोकसभा सीटों का राज्य नहीं होता और उत्तर प्रदेश जैसा 80 लोकसभा सीटों का राज्य होता या बिहार जैसा 40 लोकसभा सीटों का बड़ा सूबा होता, तो क्या अभी तक मणिपुर में पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जाकर बैठ नहीं गए होते? क्योंकि एक छोटा राज्य है, दो सीटों से आपको लोकसभा में परवाह नहीं पड़ती, इसलिए आप मणिपुर की सुध नहीं ले रहे। देखिए, ऐसा है, जब से ये इंडिया का गठन हुआ है, 26 राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई है, तब से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही ज़्यादा बौखला गए हैं और इसके कारण से वो इंडिया का ही अपमान करने पे तुल गए हैं, इंडिया की तुलना वो आतंकवादी संगठनों से कर रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, BJP फॉर इंडिया क्या है, हर चीज़ में आप इंडिया इस्तेमाल करते रहे। तो अब अगर इंडिया के नाम पे गठबंधन बन गया तो आप दिन रात गाली देंगे, और मुझे तो शर्म आ रही है प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिस वक्त उनको मणिपुर की चिंता होनी चाहिए वो गाली गलौज में जुटे हुए हैं। मणिपुर की घटना सामान्य नहीं है, मणिपुर में जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जितना अशांत मणिपुर हो चुका है, इसलिए देश की एकता और अखंडता को भी खतरा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री के बयान की मांग करना विपक्ष का एक उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्य भी है, क्योंकि ये अन्य राज्यों जैसी स्थिति नहीं है कि वहाँ गृहमंत्री बयान दे दें और कोई मंत्री बयान दे दे, ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत गंभीर स्थिति है।
सरकार ये कह रही है मणिपुर पर हम बातचीत के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा जो है अगर आसान शब्दों में समझाएं आशुतोष, तो सरकार एक से दो घंटे की चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरे दिन की चर्चा चाह रहा था, और इसीलिए सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में विपक्ष पहुंचा है, लेकिन अब तारीख आने का वेट किया जा रहा है कि कब इस पर चर्चा होगी। अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव है, आइए उनसे बात करते हैं। सुष्मिता जी, आप मणिपुर जा रहे हैं, कौन कौन और डेलीगेशन में जा रहा है और क्या मकसद रहेगा आप लोगों का? जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से एक एक प्रतिनिधि सांसद मणिपुर जाएंगे, आज कंफर्म होगा आइटिनरी, और हमारा उद्देश्य है कि मणिपुर के लोगों को ये संदेश देना कि इतनी कठिनाई की जो परिस्थिति वहां पर तैयार हुई है, हम उनके साथ हैं, और जब तक सर जमीन पर जाकर सब पार्टी देखेंगे नहीं, मुझे लगता है वो न्याय नहीं होगा, ये हमारा कर्तव्य है। अमित शाह का बयान आया है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिन में 3 बारी जो है विवरण लेते हैं मणिपुर का, और लगातार जो है कोर्ट को भी अब आसाम या कहीं किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील करेंगे। तमाम पैसा भेजा गया है मणिपुर में, तमाम कार्रवाई हो रही है, सीबीआई के लिए की मांग की है कार्रवाई। प्रधानमंत्री पहले तो 77 डेज चुप रहे, दूसरी बात गृह मंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद वहाँ कुछ भी समाधान नहीं हुआ, और बल्कि दबाया गया। एक वायरल वीडियो के बाद प्रधानमंत्री बोले, जबकि अगर प्रधानमंत्री रिव्यू कर रहे हैं, उनके पास अगर आर्मी और इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आ रहा है, तो प्रधानमंत्री को ये पहले से पता था, 3 मई से पता था वहां पर क्या हो रहा है, पर वो चुप रहे। ये तो और भी बुरा है कि प्रधानमंत्री रिव्यू कर रहे हैं, सारी खबर रहे उनके पास है, और वो फिर भी चुप रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का उद्देश्य मेरे हिसाब से मणिपुर के समाधान का नहीं है, पर वो अपने इमेज को बचाने के लिए वो चुप रहे इतने दिन। इंद्र, लगातार विपक्षी दल अड़े हुए कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इस बीच INDIA की जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि हम मणिपुर जाएंगे। प्रहलाद जोशी को हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि जाना है तो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार वहां की तय करेगी कि हम लेकर कहां तक जाएंगे। अभी किस तरह की गतिविधियां, क्या है तस्वीर, आपको क्या अभी नजर आ रहा है, दर्शकों को सूचित करें। देखिए, INDIA जो इंडिया का जो संगठन है उसके जरिए वो 26 पार्टियों का संगठन है, और उसके एक एक सांसद जो है वो मणिपुर जाना चाहते हैं, और वहां पर जाकर के जो वर्तमान हालात हैं मणिपुर के उसको लेकर के वो वहां पर समीक्षा करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वहां की राज्य सरकार उनको कितनी दूर तक ले जाना चाहती है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी काफी दिक्कतें हैं, कई इलाकों में बफर जोन बनाया गया है, चाहे वो मैतेई का इलाका हो जहां पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर भी बफर जोन बनाया गया है, और इसके साथ ही जो कुकी समुदाय के लोग रहते हैं उस इलाके में भी एक बफर जोन तैयार किया गया है। तो किस एरिया तक उनको ले जाया जा सकता है ये राज्य सरकार को तय करना है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा के अंदर हंगामा किया गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जो उनकी तरफ से नोटिस दिया गया था अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, जब सदन ने उस पर सहमति जता दी है तो उसके लिए डेट क्यों नहीं तय की जाती है। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के हीला हवाली की स्थिति पैदा की जा रही है, जिससे कि यह मामला कूल डाउन हो जाए और किसी भी तरीके से इसमें चर्चा ना हो। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि 10 दिनों का टाइम होता है, जब भी नोटिस दी जाती है उसके बाद स्पीकर के पास 10 दिनों का समय होता है, और उसके आधार पर वो लोग समय तय कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह में इस पूरे मामले को लेकर के जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के नोटिस दिया गया है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसी हंगामे के बीच करीब 3 से 4 मिनट आपने देखा आशुतोष संसद चली, और उसके बाद संसद को 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। तो ये स्थिति बनी हुई है, और पिछले आपने देखा जब से मानसून सत्र चल रहा है तब से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। हालांकि लोकसभा के अंदर कुछ ठीक है, यहाँ पर यह भी सवाल उठता है क्योंकि इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये जो गठबंधन बना है नया, उसमें भी खींचतान की स्थिति दिख रही थी कि कांग्रेस ही इसमें आगे बढ़कर क्यों आई, सबको शामिल क्यों नहीं किया गया। अब डेलीगेशन में कितने लोग जा रहे हैं, किस पार्टी के जा रहे हैं, ये भी दिलचस्प होगा देखना।